फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको किचन के कुछ खास टिप्स बताने जा रही हूं, जिससे कुकिंग में और बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प हो सकती है। ये टिप्स शायद आपको पहले पता ना हो, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूं, जिससे आपको बहुत सारे टिप्स पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है, जब आप पूड़ी का आटा गूंथते हैं तो उसे थोड़ा टाइट गूंथते हैं। तो पूड़ी का आटा गूंथते समय उसमें एक छोटा चम्मच चीनी डाल दें और फिर आटा गूंदेंगे तो जो आपकी पूड़ियां हैं वो एकदम फूली फूली बनेंगी। और अगर आप पूड़ियों को खस्ता बनाना चाहते हैं तो आटे में एक चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, उससे जो पूड़ियां हैं वो खस्ता बनेंगी। दूसरी टिप है, जब आप तंदूरी चपाती बनाते हैं तो उसे नरम बनाने के लिए और सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करें, उसका आटा लगाते समय उसमें थोड़ा सा दही मिला दें और फिर आप उसे गुनगुने पानी से गूंदें। इससे जो तंदूरी चपाती है वो नरम बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। तीसरी टिप है, जब आप दाल के चीले बनाते हैं तो उस घोल में क्या करें, दो बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें। इससे चीले खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगली टिप है, अगर इडली डोसे का जो मिक्सचर है वो बच गया है और वो खट्टा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा नारियल का दूध मिला दें, यानी कोकोनट मिल्क मिला दें, उससे उसका खट्टापन निकल जाएगा और आप उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। मेरी अगली टिप है, लहसुन छीलने के लिए अगर आप लहसुन को थोड़ी देर धूप में रख देंगे और फिर हथेलियों पर हल्का सा तेल लगाकर रगड़ेंगे तो लहसुन जल्दी से छिल जाएगा और आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगली टिप है, जब आप पकौड़े बनाते हैं, किसी भी चीज के पकौड़े आप बनाते हैं, उसके घोल में अगर आप एक चुटकी अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं और थोड़ा सा गर्म तेल मिला देते हैं तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बन जाते हैं। इसके अलावा पकौड़ों को सर्व करते समय चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें, इससे वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। मेरी अगली टिप है, अगर आप चींटियों से परेशान हैं, कॉकरोच से परेशान हैं, तो एक काम कर सकते हैं, ट्यूबलाइट या CFL जो भी आपके किचन में लगी हो उसके पास प्याज की एक दो गांठें लटका दें, इससे चींटियां दूर ही रहती हैं। इसके बाद आप देखेंगे चींटियां बिल्कुल नहीं आएंगी किचन में। अगली टिप है, अगर आप कच्ची सब्जी को सलाद के तौर पर परोसना चाहते हैं तो एक बार उसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में सब्जी को धो लें, इससे उसके सारे बैक्टीरिया और सारे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे तो आप कच्ची सब्जी को आसानी से परोस सकते हैं। मेरी अगली टिप है, जो नए बर्तन लेते हैं हम, नए बर्तनों के साथ ये समस्या होती है कि वो ब्रांड के लेबल के साथ आते हैं और उन्हें उतारना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम करें, लेबल के उल्टी तरफ से बर्तन को गैस पर थोड़ा गर्म कर लें, जिससे लेबल अपनी जगह छोड़ने लगता है, और इसके बाद चाकू के हल्के प्रयोग से लेबल को उतार दें। ध्यान रहे चाकू से स्क्रैच ना आए, बहुत हल्के हाथों से आप उसे उतार दें, वो आसानी से निकल जाएगा। मेरी अगली टिप है, अगर आप आलू के चिप्स बना रही हैं तो आलू को काट कर करीब आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में छोड़ दें, फिर उसे डीप फ्राई करें, इससे चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप फ्रेंच फ्राइज भी बना रहे हैं तो भी ये टिप बहुत काम आने वाली है। अगली टिप है, जब आप टोमेटो सूप बनाते हैं तो उसमें एक चम्मच नींबू का रस डाल दें, इससे जो सूप का स्वाद होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी अगली टिप है, अगर आप होममेड गार्लिक जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट स्टोर करना चाहते हैं तो उसे ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए आप उसमें एक टीस्पून गरम तेल और थोड़ा सा नमक मिला दें और फिर उसे स्टोर करके रखें तो वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है और उसकी खुशबू वैसे ही बनी रहती है। अगली टिप है, अगर आप सब्जी की ग्रेवी का लाल रंग बनाए रखना चाहते हैं तो जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद आप उसमें लाल मिर्च डालें और फिर बाद में बाकी सामग्री डालें, इससे जो ग्रेवी का लाल रंग है वो बना रहता है। मेरी अगली टिप है, अगर आपने लंच में सुबह कढ़ी बनाई है और आप चाहते हैं कि वो डिनर तक फ्रेश रहे तो आप उसमें आधा नींबू निचोड़ कर रख दें
और फिर आप उसे आराम से रात में डिनर में भी खा सकते हैं, वो एकदम फ्रेश लगेगी। तो दोस्तों आज हमने जाने किचन के कुछ खास टिप्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और शायद ये टिप्स आपको पहले पता नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।